Hello my friends, welcome back to my Geek Everyone channel. So my friends, I am facing a huge problem in the Infinix Note 4. Today only I am facing a new problem. So ye problem mere ko itna pareshan kar raha hai ki main kya karu kya na karu. I am really just getting frustrated for that. So friends, please watch this video carefully, tabhi pata chalega is phone mein kya naya problem aa gaya hai. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel fast, and if you like this video, please like karna mat bhuliye, mujhe bahut khushi aati hai. So let's see. Walking alone, the streets are empty, the only thing I can... So my friends, I've already posted two dedicated videos of the Infinix Note 4 after updating from 7.1 to Android 8.0. First video mein main is phone mein kya kya naya changes aaya after audio update ke baad wo bhi bola tha, aur next video mein bola tha ki means what the problems we are facing, you all the we subscribers, we the viewers are facing the problem that I have discussed in my previous video. So aaj main jo discuss karunga टोटली अलग वीडियो है. इनफिनिक्स नोट पे आज बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया. एक्चुअली आफ्टर अपडेट के बाद फोन में कुछ भी हैंग भी नहीं हो रहा था और कैमरा भी अच्छा हो गया और कुछ कुछ चीज बुरा भी हुआ था. आज जो हुआ, मैं एक फ्रेंड को कॉल किया था सुबह में, तो उसके कॉल करने के बाद मैं फोन रख दिया और फोन में बहुत कुछ रिसर्च कर रहा था गूगल में. सो फोन माई फाइनली जस्ट गॉट हैंग्ड आफ्टर दैट, फाइनली हैंग्ड अगेन. ये बटन और होम बटन भी बहुत कुछ दबाकर कुछ भी नहीं हुआ. सो मैं फोन को रिस्टार्ट कर दिया. फोन को रिस्टार्ट करने के बाद ह्यूमिंग बट का जो स्क्रीन सेवर आता है उस पर टोटली स्टॉक हो गया, कुछ भी नहीं आया. आफ्टर मीन्स मैं ये फोन को चार्ज करने के लिए दिया था, एक घंटा दो घंटा चार्ज हो रहा है, लेकिन कुछ भी नया आया भी नहीं है स्क्रीन में. वो इस ह्यूमिंग बट भी अटक गई है. सो फाइनली क्या हुआ, सो लेट्स सी दैट. तो मेरा फ़ोन हैंग होने के बाद मैं बहुत कुछ सर्च भी किया है, लेकिन कुछ भी नहीं आया. वो हैंग भी हो गया था परमानेंटली. सो तब उसके बाद मैं फ़ोन को रिस्टार्ट किया, ऐसे फ़ोन को रिस्टार्ट किया है, इन्फिनिक्स का लोगो आया है, उसके बाद 100 जीबिंग बट आया था. ये 100 जीबिंग बट में वो अटक गया, वो सिर्फ अटक गया है. एक दो घंटा मैं ऐसे बैठ कर मैं फ़ोन को चार्ज किया था, कुछ भी नहीं आया. लेकिन मैंने क्या किया था, मैं ये फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट किया था. कैसे? So how will you do the factory data reset? So let's press the volume down button over here, let's press the power on off button, and let's press the home button. एक साथ दबाइए, ठीक है? अब दबाओ. देखो Infinix powered by Android आ गया. उसके बाद और भी एक चीज आएगा. अब देखो ये factory mode आ गया है. अब थोड़ा wait कर लीजिए, और भी कुछ option आएगा. सो देखो ऑटो टेस्ट, आइटम टेस्ट एंड रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट, जी सेंसर, कली, जायरोस्कोप, वर्शन, रिबूट एंड फैक्ट्री डाटा रीसेट. सो हैव डन द फैक्ट्री डाटा रीसेट. सो लेट्स प्रेस दिस पावर ऑन ऑफ बटन. पहले मैं रिबूट भी किया था, वो सेम हो रहा था. क्या हो रहा था? वो ह्यूमिंग बट उस पर जाकर वो स्टक हो गया. अब प्रेस दिस बटन, प्रेस कर लिया. सो फॉर्मेटिंग हो रहा है. ये फॉर्मेटिंग होने का टाइम होगा करीब करीब 10 मिनट लग जाएगा, 8 to 10 minutes लाइक दैट. सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो ओवर हियर. सो लेट्स सी Infinix पावर्ड बाई एंड्रॉयड. उसके बाद XOS ह्यूमिंग बट भी आएगा. अब थोड़ा टाइम लग जाएगा. सो फाइनली द न्यू स्क्रीन सेवर हैज केम. हाई देयर. सो लेट्स प्रेस दिस स्टार्ट बटन ओवर हियर. प्रेस इट. कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क और यू कैन कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क ऑल्सो. मीन्स आई डोंट हैव एनी सिम्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर फोन. एक्चुअली आई कीप माई सिम्स टू माई अदर फोन्स. सो अब आगे आगे देखो क्या प्रॉब्लम होने वाला है. मेरा वाईफाई नेटवर्क ऑलरेडी चालू है. सी आई एम स्किपिंग दिस, चेकिंग फॉर अपडेट्स. नाउ सी, इफ यू वांट टू कॉपी योर डाटा फ्रॉम आईफोन और सम अदर फोन्स टू पर्टिकुलर दिस फोन, यू कैन ऑल्सो डू, और यू कैन स्टार्ट अ न्यू सेटअप. सो आई वॉन्ट टू कॉपी, वॉट विल बी हैपन इन नेक्स्ट. सी आई नीड टू बैकअप फ्रॉम द क्लाउड. कीप प्रेस दिस. सी ये हो रहा है. अगेन आई प्रेस दिस, ये हो रहा है. Again, if you want to set this particular phone as a fresh start, you can also do. See, pressing it. See, the same problem is happening. So my friends, you tell me what will be the solution in this particular problem. मैं तो बहुत परेशान हो गया. मेरा apps, मेरा videos, सब कुछ मेरा चला गया. उसके बाद भी मेरा phone on भी होना हो नहीं रहा है. पहले reboot के पहले था, ह्यूमिंग बट में अटक गई, और अभी setup as a new start, copying your data में अटक गई. ये क्या करूं, ये क्या ना करूं, मेरे को दिमाग मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं आया माय फ्रेंड्स. सो रियली आई जस्ट गॉट वेरी मच हेक्टिक ऑन Infinix नाउ. सो माय फ्रेंड्स, दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट आई एम फेसिंग विद द Infinix नोट 4.
Really, I just got surprised today and I just got very much frustrated also with that. Really, after update के बाद camera बहुत ही अच्छा था और battery को तो draining तो हो भी हो रहा है. ये Infinix क्या कर रहा है? Really don't know. आज जो हुआ Infinix को just salute मेरे तरफ से. Anyways, this is the problem what I am facing and my friends, with my honest request to you, please don't upgrade from 7.1 to Android 8.1 Oreo. And my friends, please don't downgrade from 8.1 to 7.1 also. Actually, I have sent 5 emails to the Infinix, but one reply has came from them that they are going to give a new update within this month, means at the end of this month or the next week of this April. So stay tuned for the next update and my friends, please don't upgrade this particular phone from 7.1 to Android 8.1. I'm repeatedly telling you. And my friends, I have made this video so that you could judge before updating from Android 7.1 to Android 8.0 Oreo. So these are all the things that I'm sharing with you today. So agar is video acha laga, please like karna mat bhuliye. Mere bahut thoda sa khushi milti hai. And anyways, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel first. Please do share this video taki सभी को पता चलेगा कि ये फोन में क्या हो रहा है अभी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल एक नया सरप्राइज आने वाला है, नया सेटअप टूर भी आने वाला है आई थिंक टुमारो. सो बी विथ मी इन फॉर टुमारो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल नाउ बाय बाय एंड वंदे मातरम.